Next topic in your liquid crystal is difference between solid, liquid and liquid crystals. ठीक है, जैसा कि अभी liquid crystal को explain करते time मैंने बताया कि जो solid, sorry, जो liquid crystals हैं, the liquid crystals having properties between solid and liquid. कि जो liquid crystal हैं, they are a intermediate state between your liquid and solid. ठीक है, ये इनके बीच की transition state है. कैसे? कि जब भी आप किसी solid को, crystalline solid को आप heat करोगे, that will convert into liquid crystal. यानी turbid liquid देगा. ये देखिए, यहाँ मैंने जब आपको crystal liquid के बारे में explain किया है, तब बताया है कि जब आप कोई solid लेते हो, जब आप उसको heat करोगे, it will change into turbid liquid. That is your liquid crystal. जब आप इसको further heat करोगे, तो ये क्या बनाएगा? Clear liquid. यहाँ भी आप देख सकते हो, जो मैंने liquid crystals का आपको देखिए structure ही देख लेते हैं हम, कि जो solids हैं, different, सबसे पहले हम देखते हैं structure solids का. इस type का होता है. ठीक है, जो आपके सिमेटिक थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिमेटिक लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. न्यू पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल बट नो लेयर्स. पर जो आपका निमेटिक लिक्विड का, सॉरी, सिमेटिक का होता है, उसमें क्या है? पैरेलल भी होंगी and there will be formation of, this is your semantic liquid, this is your liquid crystal, sorry, this is your nematic liquid crystal and this is your solid. और अब आप बात करते हैं liquid की, not at all any arrangement. ठीक है, यहां से देखिए आप कि जो सॉलिड हैं, दे आर परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो सिमेटिक हैं, दे आर मच लेस देन द सॉलिड्स. बट जो निमेटिक हैं, उनकी और भी कम अरेंजमेंट, और जो लिक्विड हैं, दे आर ऑलमोस्ट डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करोगे, तो उसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाएगा. इट विल फॉर्म सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल. इसको जब आप फर्दर हीट करोगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स. ठीक है, जब आप इसको फर्दर हीट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? सिंपल लिक्विड. क्लियर है? तो दिस टेम्परेचर, जो पहले भी बताया था कि जो बीच का टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर. जब ये क्लियर लिक्विड दे देगा, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, जब आप किसी सॉलिड को हीट करोगे, इसमें कुछ डिसऑर्डर आएगा, देन इट विल फॉर्म सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल. जब इसमें और भी ज्यादा हीट करोगे, तो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल आएगा. इन दोनों टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर. और जब इसको फर्दर हीट करोगे, इट विल फॉर्म लिक्विड. दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. इस स्ट्रक्चर को बना के आप इन सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल के बीच का डिफरेंस भी बता सकते हो. ठीक है, कि जो सब्सटेंस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी मच डिसऑर्डर्ड. ठीक है, और सॉलिड में क्या है? देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? इनमें क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर. इनमें क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर. इनमें क्या है? देयर इज नो ऑर्डर. दे हैव सम शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि जो आपकी दे हैव सम लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर. और जो गैसेस हैं, दे हैव नो ऑर्डर एट ऑल. दिस इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड क्रिस्टल. द लास्ट टॉपिक इज योर एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल की जो एप्लीकेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज कॉल्ड थर्मोग्राफी. थर्मोग्राफी के नाम से भी ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है. व्हाट इज थर्मोग्राफी? इट इज द टेक्निक टू रिकॉर्ड, इट इज द टेक्निक टू
टू रिकॉर्ड टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ स्किन, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ स्किन ऑन ए ग्राफ. ठीक है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड, दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड और दिस ग्राफ इज कॉल्ड थर्मोग्राफ. ठीक है, थर्मोग्राफी क्या है? टू रिकॉर्ड टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द स्किन, कि स्किन पे क्या टेम्परेचर वेरिएशन होगा. ठीक, इन दिस वी यूज कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल. इस टेक्निक में कौन से लिक्विड क्रिस्टल यूज किए जाते हैं? कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट. उनके पास क्या है? लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कलर की. दे विल रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, दे हैव दिस प्रॉपर्टी कि दे विल रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट टेम्परेचर. इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं इन थर्मोग्राफी. क्लियर है? इनके क्या है ये कारण? दिस इज बिकॉज द हेलिकल स्ट्रक्चर. इनका मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है? हेलिकल. दिस हेलिकल स्ट्रक्चर हैज करेक्टरिस्टिक पिच लेंथ. इनकी एक पिच लेंथ होती है जो लाइट की वेवलेंथ की वजह से चेंज होती रहती है. ठीक है, दिस पिच लेंथ इज वेरिएबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट. इनकी जो पिच लेंथ है वो वेवलेंथ के साथ चेंज होगी, जबकि जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल का चेंज नहीं होगा. इनके पास पिच लेंथ की भी प्रॉपर्टी है. दिस हेलिकल स्ट्रक्चर, इसकी जो पिच लेंथ है वो लाइट के साथ चेंज हो जाएगी और जो आपका स्ट्रक्चर है लिक्विड का वो यूं का यूं सेम रहेगा. ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ टू टेम्परेचर, इवेंट टेम्परेचर. एक नंबर में पूछा जाता है इवेंट टेम्परेचर. क्या होता है इवेंट टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर. इवेंट टेम्परेचर इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड क्रिस्टल विल स्कैटर विजिबल लाइट. ठीक है, जो आपकी वेवलेंथ है लाइट की उसके अकॉर्डिंग लाइट को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बांटा गया है. आईआर रीजन, विजिबल रीजन, यूवी, रेडियो वेव्स, ठीक है, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पे. आप बोलते ना हम एक्सरे कराने गए थे, ये कराने गए थे, वो एक्सरे होता है उस वेवलेंथ की लाइट जब आप डालते हो जो एक्सरे रीजन में फॉल करती है. ठीक है, तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड क्रिस्टल विल स्कैटर विजिबल लाइट. ठीक है, जो आपकी विजिबल लाइट का जो रीजन होता है, लिक्विड क्रिस्टल जिस टेम्परेचर पे उस विजिबल लाइट को स्कैटर करेगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेंट टेम्परेचर. एक दो नंबर में आ जाता है. ठीक है, द टेम्परेचर, अब इससे नीचे क्या होगा? जो लिक्विड क्रिस्टल है दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट एंड विल अपीयर ट्रांसपेरेंट. इस टेम्परेचर के नीचे जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड प्योर लिक्विड क्रिस्टल प्योर लिक्विड बन जाएगा. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लियरिंग पॉइंट टेम्परेचर. अभी मैंने बताया कि जो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हैं वो दो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, इवेंट पॉइंट और दूसरा है क्लियरिंग पॉइंट टेम्परेचर. क्लियरिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर अबोव विच दिस लिक्विड क्रिस्टल विल बिकम प्योर लिक्विड is called clearing point temperature. Will become pure liquid is called clearing point temperature. ठीक है, अब इस इन दोनों temperature को मद्देनजर रखते हुए हम वो temperature range और different colors की जो light ये liquid crystal find out करेगा,
सॉरी स्कैटर करेगा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्किन का टेम्परेचर। कैसे? मेडिकल फील्ड में इसका रिसेंट ईयर में बहुत यूज हुआ है इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, पहले क्या करते थे कि बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हैं सभी के, जो आपकी इफेक्टेड एरियाज हैं या जहाँ पे कोई बीमारी है वहाँ का टेम्परेचर और जो नॉर्मल पार्ट है आपकी बॉडी का उसका टेम्परेचर क्या होता है डिफरेंट। हम उसी टेम्परेचर को डिफरेंट को पता कर लेते हैं कि स्किन में बीमारी कहाँ है। ठीक है, और पहले क्या करते थे जो फिजिशियन थे, जैसे आपकी हड्डियों में कहीं चोट है, फिजिशियन क्या करते थे, लिक्विड क्रिस्टल का लेप लगा देते थे ये पता करने के लिए कि वही कहाँ टेम्परेचर अलग है। बट दिस मेथड वॉज टू रफ। अब क्या करने लगे हैं, अब आपके हेल्दियर पार्ट पे भी लगाते हैं लिक्विड क्रिस्टल और जो आपको पार्ट एग्जामिन करना है उस पे भी लगाते हैं और उनके कलर फोटोग्राफ ले लेते हैं। कलर फोटोग्राफ क्योंकि डिफरेंट आएंगे टेम्परेचर, अभी मैंने क्या बताया कि इट विल रिफ्लेक्ट, ठीक है, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर है डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंट है बॉडी का तो जो कलर है वो भी क्या आएंगे डिफरेंट। हम उनकी कलर्ड फोटोग्राफ ले लेते हैं और उस पैटर्न से हमें क्या पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मोग्राफी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड क्रिस्टल।